नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। 2 जून तक के लिए अंतरिम ये जमानत दी गई है और उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया और आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। जबकि इसके पहले केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई है उसका विरोध करते हुए ईडी की तरफ से दलील दी गई थी और कहा गया था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की तरफ से ये भी दलील दी गई कि जमानत देने से एक गलत मिसाल भी कायम होगी। इस मामले पर वैसे आपको बता दें कि सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने मामला दर्ज किया और मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 1.5 साल तक ये लोग कहाँ थे? गिरफ्तारी के बाद ये पहले भी हो सकती थी और इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि उनके वकील ने 4 जून की रिहाई का अनुरोध किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया तो 1 जून को खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले ही याचिका पर फैसला सुनाने की कोशिश भी की जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी। बताएं कि संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी गई थी कि वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस में से जुड़ी कोई भी बयानबाजी वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को वे बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन को भी वे शेयर करेंगे।